अस्सलाम वालेकुम। डिजिटली क्रिक व्लॉगिंग यूट्यूब चैनल मुबारक हो, बहुत ज्यादा मुबारक हो। जाकर बाहर फायरिंग्स कर लो, क्योंकि आईसीसी की जानिब से जो है एक न्यूज आया हुआ है कि पाकिस्तान की टीम इतना शानदार किस्म का क्रिकेट खेला कि पाकिस्तान की टीम डायरेक्टली जो है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। जाकर घरों से बाहर निकलो और फायरिंग कर लो, क्योंकि अभी तक किसी भी टीम ने जो है अभी तक जो है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया, और पाकिस्तान वो वाइट टीम है, जो वो पहली टीम है कि सेमीफाइनल के लिए डायरेक्टली जो है क्वालिफाई कर चुका है। यार खुदा को मानो, आप लोगों ने किस तरह का क्रिकेट खेला यार। और भी दोस्तियां कर लो, जितना दोस्तियां बाबर आजम साहब आप करते हो ना, और भी कर लो। ये दोस्तियों की वजह से आपके टीम का ये हाल बना। आप लोग को एशिया कप से लेकर अभी तक हमने यही कहा कि टीम को चेंज करो, टीम को चेंज करो, ये टीम ऑस्ट्रेलिया में जाकर कुछ भी नहीं कर सकता। शोएब मकसूद के ले आओ, शोएब मलिक को ले आओ, शर्जील खान को ले आओ। शर्जील खान को आप लोग ने इसी वजह से नहीं लेके आया कि यार लोग कहेंगे कि शर्जील को ओपन करा दो, शर्जील को ओपन करा दो, क्योंकि बाबर और रिजवान के अलावा तो इन्होंने कसम खाया था कि यार बाबर और रिजवान ही ओपन करेंगे और कोई ओपन नहीं करेगा, ओपन पेयर को चेंज करो। लेकिन नहीं, इन्होंने किसी का भी नहीं सुना। अगर आप लोग ने नहीं सुना तो आप लोग का तो ये हाल होगा। यार खुदा की के लिए आप लोग जाकर ऑस्ट्रेलिया में आयशा करोगे, मार्केट्स में जाकर चीजें खरीदोगे, घूम फिरोगे, पीसीबी की जानब से आपको सैलरी भी मिलता है, दिल के आंसू रोता है तो हम रोते हैं, हमारे फैंस रोते हैं। यार ये आप लोग क्या कर रहे हो यार, अभी किसी सूरत में भी आपका टीम सेमीफाइनल के लिए नहीं जा सकता। 100% पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से जो है बाहर हो चुका है। पाकिस्तान का जो सफर था ना वर्ल्ड कप का, वो इधर ही से जो है समाप्त हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान अभी कुछ नहीं हो सकता। अभी आप बहुत सोचे ना कि आप नेदरलैंड्स को इतने रन रेट से हराए, या बांग्लादेश को इतने रन रेट से हराए, या अफ्रीका को ये करें वो करें। यार अफ्रीका ने आज बांग्लादेश को किस किस अंदाज से उन्होंने हराया। बांग्लादेश को पहला मैच वो जो है जीत रहे थे, लेकिन उनको लक साथ नहीं दिया कि बारिश हुआ, और फिर जो है उन्होंने आज बांग्लादेश को किस अंदाज से उन्होंने हराया। और आप है कि हर की टीम के खिलाफ आपका ये हाल है, आप आगे जाकर क्या करोगे फिर? तो शुक्र है कि आप इधर इसी रह गए हो, आप आगे जाकर कुछ भी नहीं कर सकते थे सेमीफाइनल में जाकर। खुदा के लिए दोस्तों को छोड़ लो, बाबर आजम साहब यार, आखिर जब ठीक है आप इतना स्लोली खेलते हो यार, अगर आपको ओपन करना है, आप और रिजवान को ओपन करना है, तो आपको चाहिए कि एग्रेसिव स्टार्ट ले लो। देखो पहला मैच में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किस तरह का एग्रेसिव स्टार्ट लिया। पहले 6 ओवर पावर प्ले किस चीज के होते हैं कि आप लोग जो है पहले 6 ओवर पावर प्ले में फायदा उठाकर 50 से 55 रन बना दो। आप पहले 6 ओवर पावर प्ले में जो है टुक 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 करके खेलते हो, फिर आउट भी हो जाते हो, कुछ भी नहीं कर जाते, फिर सारा प्रेशर जो है मिडिल ऑर्डर पे आ जाता है, फिर बदनाम मिडिल ऑर्डर हो जाता है कि मिडिल ऑर्डर की वजह से पाकिस्तान की टीम ने ये मैच हारा। आप लोग 5-6 ओवर जो है टुक टुक करके खेल जाते हो, फिर आउट भी हो जाते हो, सब कुछ जो है मिडिल ऑर्डर पे जो है आप लोग छोड़ लेते हो, वो प्रेशर में आ जाते हैं और मैच में हमारा ये हाल हो जाता है। फिर आपने मैच को पकड़ लिया था, शान और शादाब दोनों ने अच्छा पार्टनरशिप लगाई, उधर से आप लोगों ने मैच को पकड़ लिया था, रन और बॉल में इतना फर्क भी नहीं था, रिक्वायर्ड रेट इतना कम हो चुका था। शादाब साहब आपको उधर शॉट लगाने की क्या जरूरत थी, आपने एक चक्का लगा दिया तो सब कुछ आपने बराबर कर दिया, एक और शॉट लगाने की क्या जरूरत थी वहां पे आपको। फिर आप आउट हुए, शादाब के आउट होने के बाद जो है ना हमारा टीम का जो है बेड़ा जो है गर्क हुआ, वहीं से जो है हम जो है डाउनफॉल पे जो है आने लगे, और वही टर्निंग पॉइंट था जिम्बाब्वे के लिए, उन्होंने जो है वहां वहीं से जो है कमबैक किया। फिर जो है नवाज को भी बॉल नजर नहीं आ रहा था, वसीम जूनियर को भी बॉल जो है नजर नहीं आ रहा था, फिर चलो फिर नवाज ने थोड़ा बहुत जो है गेम को जो है बना दिया है। 3 गेंदों पर आपको सिर्फ 3 रन की जरूरत थी, सिंगल सिंगल करके आप जो है वो कर सकते थे, लेकिन नवाज साहब निकाली मैं हिट करके, छोका करके जो है मैं जो है जीतवाऊंगा। यार खुदा के लिए इतने बड़े बड़े बातें आप लोग कर लेते हो कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्या खाक किया आज आप लोग ने, सब कुछ जो है आप लोग ने पानी में जो है फेंक दिया। खुदा के लिए यार ये क्या है यार, दिल के अंश पर हम रोते हैं यार। हमारे फैंस जो है वहां आकर आप लोग के लिए बैठते हैं, फ्लैग जो है आपके लिए वो जो है हिलाते हैं, क्लैप आपके लिए वो करते हैं, आपको जो है वो सपोर्ट करते हैं, आप इसके बदले में उसको आप फिर ये देते हो, ये किस तरह का क्रिकेट था यार। यार मैं बात करने के काबिल ही नहीं था, मैंने कहा वीडियो नहीं बनाता, छोड़ो क्रिकेट को भी दफा करो, नहीं देखता इसके बाद मैं क्रिकेट। अल्लाह करे कि पाकिस्तान मजीद जितने मैचेस हैं वो सारे के सारे हार जाए, नहीं चाहिए हमें आपको नेदरलैंड से भी जीत और बांग्लादेश और अफ्रीका से भी जीत, अब कोई फायदा नहीं है। अगर आप जीत भी जाते हैं तो कोई फायदा नहीं है, आपके हाथों से सब कुछ निकल चुका है,
अगर आप जो है बहुत तेज रनेट से जीते हैं, तो दूसरी तरफ भी जो है टीम्स है ना यार, बांग्लादेश भी अच्छी टीम है, कोई बड़ा टीम नहीं है वो। नेदरलैंड्स भी आज जो है अच्छा खेल रहा था इंडिया के खिलाफ, मैं देख रहा था उनके कुछ ऐसे बल्लेबाज है कि वो कर सकते हैं। अगर आपके ऐसे बॉलिंग और आपके ऐसे बैटिंग, चलो मानता हूँ कि बॉलिंग आप लोग ने अच्छा किया, 95 रन के साथ आपने आउट किया था, वहां से आपको एक और विकेट भी लेना चाहिए था कि ताकि स्कोर अंडर 100 हो जाता, फिर आप जीत सकते थे। लेकिन नहीं, आप लोग ने कहा 120, 125 हो जाए, 130 भी हो जाए, हम बड़ी आसानी से कर जाएंगे। क्या किया फिर आप लोग ने? रिजवान बाबर आ जाते हैं टुक 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 करके, फिर शान मसूद टुक 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 करके, सारा प्रेशर जो है मिडिल ऑर्डर के सर के ऊपर जो है फेंक लेते हैं। फिर कहते हैं मिडिल ऑर्डर की वजह से हमने ये मैच हारा, बदनाम उन बेचारों को कर जाते हैं। तो चेंज करना चाहिए इस मैनेजमेंट, इस टीम को, इस चेयरमैन को, सब कुछ को खत्म करना चाहिए। चाहिए कि शर्जील को लेके आना चाहिए, मसूद को लेके आना चाहिए, मलिक को लेके आना चाहिए। यार मलिक जो है एक्सपीरियंस प्लेयर है, वो अभी तक रिटायरमेंट नहीं लेते, वो कह रहे मैं फिट हूं, मैं खेल सकता हूँ, मैं अपने वतन के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन आपका जो मैनेजमेंट है ना, चेयरमैन साहब है ना, सेलेक्टर साहब है ना, मोहम्मद वसीम जो आपका सेलेक्टर साहब है ना, वो कहते नहीं, ना इमाद को लेंगे, ना मलिक को लेंगे, ना शाह मसूद को लेंगे, ना शुएब मकसूद को लेंगे, ना जो है शर्जील को लेंगे। खुदा को मानो यार, आप टीम के लिए खेल रहे हो या अपने वतन के लिए खेल रहे हो या सिर्फ अपने आप के लिए पैसों के लिए खेलते हो? बस पैसे अपने जेब में डाले तो कहते हो बाढ़ में जाए फैन, बाढ़ में जाए सब कुछ, हम जो करते हैं हम ठीक है। खुदा के लिए जानो यार, ये आप लोग ने क्या किया आज? सुधीर से लिख रहे ब्लॉगिंग यूट्यूब चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। और बहुत ही जो है पाकिस्तान की टीम ने हमें जो है धोखा दिया और बहुत ही जो है अपसेट कर दिया। जिम्बाब्वे वेल प्लेड, जिम्बाब्वे टीम तवक्कुआत नहीं थी इनसे कि जिम्बाब्वे की टीम इस तरह का क्रिकेट खेलेगा। और जो उनका बॉलर है स्पिनर सिकंदर रजा, उनकी तारीफ की जाए, उन्होंने जो है पाकिस्तान को जो है बिल्कुल रोका हुआ था, तो बहुत जबरदस्त किस्म का क्रिकेट खेला। सो दिस इज लिख लिख यूट्यूब चैनल, बाय।